पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता अर्ज है जहां कदम कदम कदीम तहजीब के आसार मिलते हैं। कदम कदम मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, हड़प्पा, टेक्सला, वादी सिंध की तहजीब ऐसी है कि आप एक्सप्लोर करते जाएं, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये तहजीब खत्म नहीं होगी। कई तहें हैं, तह दर तह तहजीबों के आसार हैं। मुझे आपको दिखानी है 2700 साल पुरानी एक तहजीब, तक्षकुला का शहर, टेक्सला का शहर, गंधारा तहजीब। चूने मट्टी और पत्थरों में महसूस करना है एक लम्स जो जागुजी है इन पत्थरों की डोर में, जिंदगी की हरारत बनकर, हुस्न की हिकायत बनकर, रोशनी की इनायत बनकर, ताल्लुक की गायत बनकर। ताल्लुक एक खुशबू जिससे बंधे हैं मैं और आप और वो जो हजारों बरस पहले यहां थे। हम सब इस मिट्टी की खुशबू से बंधे हैं, मैं आप और वो। ये खुशबू जमीन से ताल्लुक में भी जागुजी है और अकीदे के फूलों में भी, धर्मा राजिका के स्तूपा में पड़ी राख में भी है और बुद्धिस्ट भिक्षुओं की तलाश में भी, उनकी जुस्तजू में भी। हमें खंडरों में इस खुशबू से वारफ्ता होने का तजुर्बा करना है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ मालूमात पहुंचाऊं और यहां की कुछ वीडियो बना के भेज दूं। हरगिज ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे साथ ये तजुर्बा करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप इस मिट्टी की खुशबू से वारफ्ता होते हैं, तो मैं समझूंगा यहां आने का हक अदा हो गया। वैसे मैं यहां आने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने बड़े भाई, अपने दोस्त वसी शाह साहब का, जो स्टेट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है आजकल, और उन्होंने मुझे तरगीब दी कि मैं यहाँ आऊँ और बुद्धा के निशानात को, स्टूपास को, खानकाहों को, जामियात को एक्सप्लोर करूँ। हमें तजुर्बा करना है उस खुशबू का जो इस मिट्टी में बसी है, वरना पत्थर तो अकीदों के निशान बनकर सारी दुनिया में फैले। जफर भाई आ जाए नाश्ता करने, नाश्ता आ गया तो उसे निकल दें। आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी से नाश्ता करें, फिर निकलना यार। बैटरी कितनी बैटरी है? चार्ज नहीं, चार्ज है सिर्फ दो लगा के जा रहा हूँ, बाकी आके मिल जाएगी। तो यार जब चार हैं तो आ जाओ नाश्ता तो करो, निकले यार, बहुत कम टाइम है। सर सिर्फ दो मिनट आप करें, मैं आ रहा हूँ, सिर्फ दो मिनट। एक तो यहाँ पर स्विच भी कोई नहीं है। इधर देखो यार, इधर होगा कोई ना कोई स्विच। ये एक है बस, तो कहो आ जाओ नाश्ता करते हैं। रात हम हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स टेक्सला में रुके थे। जफर भाई हैं, जफर भाई अब्दुल सलाम जी साहब के साथ रहे हैं बहुत अरसा। जी सर, 8-9 बरस रहे हैं, बड़ी बात है इतने बड़े आदमी के साथ रहना। जी बिल्कुल। कैसा कैसे पाया? हम हमारे तो खैर वो मौसम थे, दोस्त थे, आपने कैसा पाया अब्दुल साहब? हमने बहुत अच्छा उनको, यानी कि उनकी अपनी जो है ना खासियत, वो एक बहुत ही आला किस्म की थी। मैंने उनको कभी तकरीबन इतने अरसे में, 8-9 साल में, कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। और लेन देन के मामले में बहुत, लेन देन के मामले में बहुत। एक दफ़ा मेरा प्रोग्राम बन गया, मैंने गाड़ी ली, टैक्सी चलाने के लिए। अच्छा। तो मैंने उनको बताया सर मैं, जब मेरा आखिरी टाइम उनके साथ रह गया था। अच्छा। मैंने उनको कहा सर मैं जा रहा हूँ, मैंने अपना को कारोबार करना है, चले सर एक्सक्यूज करता हूँ। उन्होंने बोला बेटा जाओ ठीक है, लेकिन तुम करोगे क्या? मैंने कहा सर मैंने गाड़ी ली है, वो मेरा को प्रोग्राम है, मैं टैक्सी वगैरह चलाऊंगा, वो अपने बच्चों वगैरह भी करवाऊँगा। कहते बेटा टैक्सी के पैसे कार तुमने खरीदी है, परचेज की है, उसके पैसे मुझसे ले लेना, तो आप मेरे साथ ही रहो ना जाओ। अच्छा। उस अर्से बाद आप खुद पछताओगे कि मैंने यार ये काम छोड़ा है, तो आज यकीन पर आ रहा हूँ। अच्छा।
अमजद इस्लाम अमजद बहुत बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत अच्छे हमारे मोहसिन थे, दोस्त थे, शायर थे। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा ना टूटे और वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस के कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में ओस के कतरों में खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगी के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से उन पतंगों की राख दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना अगर कभी कभी मेरी याद आए। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही मोहब्बत करने वाले अमजद साहब। ट्रैक्सला म्यूजियम पहुंचे हैं जहां शाहजी मौजूद हैं, टूरिज्म से मुतालिक आगाही भी दे रहे हैं। एक शायर एक मुफक्कर ही टूरिज्म की हेरिटेज की हसासियत जान सकता है, वरना इस नफसा नफसी और शनाख्तों की हमा हमें में किसे ख्याल है राग से तस्वीरें बनाने का, मट्टी की मूर्तों से मुसर्रतें कशीद करने का, पत्थरों की सांसें सुनने का। ये ओरिजिनल जोड़ियां में आपने देखा है? अच्छा, ये रेप्लिका है? ये ओरिजिनल, ये आर्या ने जलाया था। टेक्सला म्यूजियम में बुद्धा के दसियों मुजस्समे रखे हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट से निकाले गए हैं। ये डोनर है, फूल पेश करने वाला। लोटस फ्लावर, प्रिंस या बुद्धा नहीं बना तो ये आगे बुद्धा मेडिटेशन को लीड, सब को छोड़ दिया इसे। अच्छा, मेडिटेशन को। ये भीर माउंट है, भीर माउंट जहां राजा तक्षशिला के राजा अम्बी ने अलेक्जेंडर का इस्तकबाल किया था। इस जगह अभी अलेक्जेंडर जलालाबाद ही में था कि अम्बी ने कहा अगर अलेक्जेंडर से ज्यादा मालदार मैं हूं तो मैं अपनी दौलत उससे शेयर करूंगा, और अगर अलेक्जेंडर मुझसे ज्यादा मालदार हुआ तो मुझे दौलत मांगने में कोई बाक नहीं होगा। अलेक्जेंडर ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ और राजा अम्बी को अपना दोस्त बना लिया। सवाद में यूसुफ से कबाइल से लड़ने के बाद अलेक्जेंडर अपने जनरल हिफेशियन का दरिया पे बनाया हुआ पुल क्रॉस करके टैक्सला पहुंचा। राजा अम्बी ने इसे नजराने के तौर पर 3,000 बैल, 10,000 भेड़ें और बहुत सी चांदी दी। ये सब हमें पता चलता है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज अलेक्जेंडर के बाद यहाँ आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो भी एक लंबी कहानी है, वो किसी और वीडियो में आपको सुनाएंगे। वो यहाँ फिरता फिराता रहा, उसने बहुत से हकायक को कलमबंद किया,
इंडिका एक किताब लिखी मेगास्थनीज ने, जहां से हमें बहुत सी चीजों का पता चलता है। मेगास्थनीज से ही पता चलता है कि यूनानी टैक्सला को देखकर दंग रह गए थे। ऐसी खूबसूरत सरजमीन जहां बुद्धिस्ट, ब्राह्मण, जरतुष्ट के मानने वाले इकट्ठे रहते थे, जैन मत के मानने वाले रहते थे, दुकानों पर ताले नहीं लगाए जाते थे, घर खुले रखे जाते थे, मामलात अफामो तफहीम से निपटाते थे। गुलामी का कोई तसव्वुर इस जमीन पर नहीं था। इमेजिन कीजिए, 2500 साल पहले गुलामी का कोई तसव्वुर नहीं था, जब मिस्र के बाजारों में, यूरोप में, अरब में, हर जगह गुलाम बिका करते थे बाजारों में। यहां कोई तसव्वुर नहीं था, यह ऐसी रिच सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहां के कदीम फलसफी इसे गैर इंसानी समझते थे। जात पात का निजाम था लेकिन वो गुलामी नहीं थी। मुख्तलिफ रंगों से बाल रंगने का रिवाज था। नौजवान सफेद, जामनी, नीले, सुर्ख और हरे रंग के बाल रखा करते थे, जो आज भी फैशन है। आगे धर्माराजी का स्टूपा है। इस सड़क पर चलते हुए मैं अजीब से एहसास तफाखुर का शिकार हूं, और वो ये है कि मैं इस जमीन से ताल्लुक रखता हूं जहां हजारों बरस पहले इंसान ने तहजीब के खदोखाल बनाए, जिंदगी गुजारने को उसूल बनाए, मेरी जमीन पे बनाए गए उसूल। यहां के बासियों ने जिंदगी गुजारने को उसूल बनाए। धर्माराजी का स्टूपा देखने के लिए ऊपर जाना होगा। अगर सर जॉन मार्शल 20वीं सदी के अवाइल में खुदाई का काम शुरू ना करते तो शायद हमें कभी पता न चलता कि कीमती असासे कैसे कैसे कीमती असासे जमीन की तह में दबे हुए, आज इन पर हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी होती। ये है सामने धर्माराजी का स्टूपा। इसके इर्द गिर्द बहुत से स्टूपाज हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अजीमुल चुस्सा स्टूपा है। धर्माराजी का मतलब है राजा का धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने बुद्ध मत कबूल करने के बाद अपनी राजधानी मगध से आकर यह स्टूपा बनवाया था। मगध आज का बिहार आप समझ लीजिए। यहां गौतम बुद्ध की राख और दांत लाकर रखे गए। ये ओरिजिनल स्टोन है, ये कंजूर स्टोन है, और ये नोकल स्टोन है जो बड़े बड़े लगे हुए। अच्छा, ये कंजूर पे जो ये तो अगले कई हजार साल तक इसे कुछ नहीं होगा। इस वक्त जब मैं स्टूपा के गिर्द फिर रहा हूं, मुझे महसूस हो रहा है जैसे ये 2500 साल पहले मई का महीना और पूरे चांद की रात है। गौतम बुद्ध 564 कबले मसीह में मई के महीने में पूरे चांद की रात को पैदा हुए थे। उन्हें निर्वाण भी मई में पूरे चांद की रात को मिला। जनाब गौतम बुद्ध 80 बरस की उम्र में इस जहां से गए तो भी मई पूरे चांद की रात थी। विसाख मनाते और स्टूपा के दामन में फूल निचावर करते सैकड़ों बुद्धिस्ट भिक्षु दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो बादशाह अशोका के साथ इसके गिर्द घूम रहे हैं। 2500 साल पहले यहां खड़े होकर अशोका ने तकरीर की थी। उसने कहा, मेरे 99 भाई थे। मेरे भाई ने तक्षशिला का बादशाह बनना था लेकिन वो मर गया, और फिर मैंने जोरे बाजू से यहां कब्जा कर लिया। मैं एक बदहयत इंसान था। मैंने कलिंग की जंग में 1.5 लाख लोगों को कत्ल किया। इतने ही भूख और बीमारी से मरे। और मैंने लोगों से पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूं, तो वो मुझे खूबसूरत कहने की बजाय थर थर कांपने लगे। फिर मुझे एक बुद्धिस्ट भिक्षु ने कहा, खूबसूरती मोहब्बत में पिन्हा है, खौफ में नहीं। अशोका ने इंसानों से, जानवरों से, दरख्तों से मोहब्बत का दर्स यहीं दिया, इसी स्टूपा के पास खड़े होकर। इसी मुनासिबत से विसाख मई में पूरे चांद की रात में यहां मनाया जाता है। हमारे दोस्त डॉक्टर नदीम उमर ने विसाख मनाना शुरू किया, तरगीब दी विसाख मनाने की दोबारा से। खुदारा इसे विसाखी के मेले से कंफ्यूज ना कीजिएगा। मेरे पंजाबी भाई मुझे लगता है इसे विसाखी से कंफ्यूज कर रहे होंगे,
विसाखी अप्रैल में गंदम के कटने पर मनाया जाता है। ये विसाख है, विसाख। अच्छा ये फरमाएं कि और क्या क्या किया जा सकता है इस जगह के लिए? अच्छे रेस्टोरेंट बने जाएं, उन लोगों की रहने की जगह हो, उनको खाना पीना होया जाए, स्कूटी का निज़ाम अच्छा होना चाहिए उनके लिए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ आते हैं जी, वो उनका जज्बा क्या होता है जब आते हैं? सर हमारे पास थाई के मॉन्क्स आए थे, 3 माह रह के गए हैं टेक्सला म्यूजियम के अंदर, तो बस न पूछें कि हमारी, हम तो नाम के हैं और बातों तखर देखने वाली उनकी है, उनकी देखने वाली है बात। और जो वो लोग अपनी इबादत में मशगूल और सारा काम अपना खुद करते हैं। अच्छा, हमारे गेस्ट हाउस में रहे, वहाँ पे हमारा स्वीपर भी था, मतलब एक कुक भी था, सारा बस सारा काम उन्होंने अपना, कमरे आप, सफाई अपनी आप, मतलब एक एक बार। और जब इबादत करते हैं तो मशगूल। अच्छा, फिर कोई माफिया की कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल अल्लाह की लय में जिस तरह बंदा गुमसुम हो जाता है ना इस तरह। सर हमारी ख्वाहिश होती है, मुझे 37 साल हो गए, हमारी ये ख्वाहिश है हमारे पास कोई टूरिस्ट आए, क्या अपना आए चाहे बाहर से आए, वो हमारा गेस्ट है, मेहमान है, वो खुश होके जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं अजीब भाई, दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा आबादी है बुद्धिस्ट की, यहाँ आने के लिए सब बेचैन है। क्योंकि स्तूपा का मकसद तो ये था कि उनके रिलैक्स और उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ। मैंने तो सुना कि बहुत से सोने चांदी जी 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 ये जो है ना, इनमें स्टैचू लगे थे, ठीक है जी, ये म्यूजियम में ले गए। अच्छा, यहाँ से स्टैचू म्यूजियम में ले गए। हालांकि हमारे यहाँ तो मुश्किल से 3-4 हज़ार बुद्धिस्ट हैं, वो भी कहीं नौशहरों फिरोज में रहते हैं। अगर हम बुद्धिस्ट को यहाँ आने दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो सोचें हमारा रेवेन्यू कहाँ से कहाँ जाएगा। हम बार बार रेवेन्यू की जो बात करते हैं, डॉलर्स की, फॉरेन करेंसी कमाने की बात करते हैं, तो इसलिए कि हमें दूसरों से भीख मांगना ना पड़े, हमें कर्ज ना उठाना पड़े, हमें कर्ज की मद में सूद ना देना पड़े, हमें अपने लोगों पर जुल्म ना करना पड़े। इसलिए हम कहते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करें, आर्कियोलॉजी को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को, इस लैंड पे जो कुछ मौजूद है। किसी व्यूअर ने कहा कि पैसे कमाने के लिए क्या क्या कहना पड़ता है, नहीं, आने वाला वक्त आपको बताएगा कि हम इस वक्त जो चिल्ला रहे हैं कि खुदारा अपने हेरिटेज को बचाइए, अगर आपके सामने वो आदादोशुमार आ जाए कि भारत, नेपाल और दूसरे ममालिक जनूबी एशिया में टूरिज्म से कितना कमाते हैं, तो आप सर फोड़ेंगे दीवार में। आपको सोचना पड़ेगा आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है, ये सवाल उठाइए। जो कुछ आप बनाकर भेजा करते थे वो खत्म हो गया, आप सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास दुनिया को देने के लिए क्या है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सवाल नहीं उठाते तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना जाया हुआ है। हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए तहजीबें हैं, हेरिटेज है, हिस्ट्री है, खूबसूरती है इस मुल्क की, डेजर्ट्स हैं, नखलिस्तान है, वादियां हैं। इधर देखिए, टेक्सला की तहजीब को देखिए, ये तालाब हुआ करता था और ये पानी कंजर्व करने का एक तरीका, और ये उनके संदूर लगाने के। अच्छा, सिंदूर लगाने के। जी, सिंदूर लगाने के। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो किस मकसद के लिए था, वो जो वाटर टैंक से पानी वहां से वहां पे स्टोर करते थे। अच्छा, स्टोर करते थे, फिर यूज करते थे। इधर एक और स्तूपा है जिसके नीचे छोटे छोटे मुजस्मे बने हुए हैं। तालाब के इस तरफ दो बड़े बड़े मुजस्मे और पूजा करने की तंग सी जगह है। 460 कबले मसीह में यहाँ वाइट हुंस आए, उन्होंने ऐसी बर्बरियत का मुजाहरा किया, ऐसी तबाही मचाई कि ये तहजीब दोबारा फिरक नहीं सकी। उन्होंने इन मुजस्मों को बहुत नुकसान पहुँचाया। उन कौम के मजालिम का जिक्र आप जगह जगह सुनेंगे। एक हाथी हादसाती तौर पर खाई में गिरा और चीखा, उसकी दिलदोज चीखें हुंस सरदार को इतनी भाई कि सैकड़ों हाथी सिर्फ एक चीख सुनने के लिए पहाड़ से गिराए गए।
ये आसार आपको कटे फटे जले कटे मिलेंगे, ये सारी बर्बरियत हुन कौम की थी। हालांकि हुन कौम से पहले यहां पारथी, साका, यूनानी, आर्याई, मकामी सब लोगों ने बुद्धिज्म की बहुत खिदमत की। इधर बुद्धा के पांव है, ये देखिए ये कितना बड़ा मुजस्समा होगा जिसे हुंस की वहशत ने बर्बाद कर दिया। ख्याल तो हमने भी नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस तरह तबाही तो नहीं फैलाई। ये बहुत बड़ा मुजस्समा था जी। उनके पांव से अंदाजा होता है कि मुजस्समा का फैलाव बहुत ज्यादा हो गया है। यहां से धर्मा जी का स्तूपा भी बहुत ही बड़ा मालूम होता है। तीसरी से पांचवी सदी कबल मसीह में आलिमों ने एक नतीजा अख्ज किया, और वो ये कि यूनानी फलसफियों ने टैक्सला के फलसफियों से कुछ तालीमात मुस्तार ली। भगवत गीता और उपनिषद की तालीम के मुताबिक कायनात चार अनासर यानी पानी, मिट्टी, हवा और आग से बनी है। अवागौन और आहंग के उसूलों पर चल रही है। यही फलसफा बयाने ही हमें यूनानी फलसफियों के यहां मिलता है, थैलीस, एनेक्सिमेंडर, फिसागोरस। यूनानी और हिंदुस्तानी फलसफियों का ताल्लुक इस अमर से साबित है कि पांचवीं सदी कबल मसीह में दोनों इलाके यानी टैक्सला और यूनान आज के ईरान में शामिल थे। धर्मा राजिका में ये खानकाह देखिए, ऐसी शानदार खानकाह, और ये आपको हर जगह नजर आएंगी। दरमियान में तालाब होगा और इर्द गिर्द भिक्षुओं के रहने के लिए इबादत के कमरे। कुरतुल ऐन हैदर के नॉवेल आग का दरिया में बुद्धिस्ट भिक्षुओं की तालीम हासिल करने की जुस्तजू पता चलती है। जब दुनिया की रगबतें त्याग कर, हुस्न व इश्क के मरहले छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, सादा लिबास और खड़ावे पहने इन पहाड़ों में इल्म हासिल करते भिक्षु आग का दरिया में मिलते हैं। हरिशंकर, गौतम नीलंबर। अमीरजादों की दौलत से नई इमारात बनती, तदरीस का निजाम चलता, और लेस प्रिविलेज भिक्षु मांग कर खाते, छोटी मोटी जरूरत पूरी करने के लिए किसी के काम में हाथ बटा देते थे। वो भिक्षु जो वापस जाकर अपने माँ बाप को जिंदा देख लेता बहुत खुशकिस्मत समझा जाता था। ऐसे दरख्त जिनकी छाँव में हम यहाँ बैठे हैं हजारों बरस में कई बार पैदा हुए, फना हुए। यहां धर्मा राजिका खानकाह से चांदी का गोल खरोशती जबान में लिखा हुआ एक पत्र मिला। साका दौर में इज़ अव्वल के जमाने के सिक्के मिले और अनगिनत तबर्रकाती मुजस्समे मिले जिसकी बुनियाद पर धर्मा राजिका खानकाह कहा गया है। इसे इस स्तूपा देखिए और इस पर बने छोटे छोटे बुद्धा के मुजस्समे मुलाजा कीजिए। 1794 में बनारस के राजा चेट सिंह के वजीर जगत सिंह ने किसी वजह से यहाँ खुदाई शुरू की तो इसे एक हरे रंग का संदूक मिला जिसमें बुद्धा के तबर्रकात और मुजस्समे थे। वो संदूक आज भी कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा है, कोलकाता म्यूजियम में। हमारे बंगाली भाई नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं कलकत्ता या कलकत्ता कहूँगा। कोलकाता म्यूजियम में धर्मा राजिका से ले जाए गए बहुत से तबर्रकात लंदन म्यूजियम में पड़े हैं, जहाँ लिखा भी है कि ये तबर्रकात टैक्सला के धर्मा राजिका से हासिल किए गए। अगर धर्मा राजिका स्तूपा पर चलते हुए बाएं जानिब देखें तो बहुत से कमरे नजर आते हैं जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। इन स्तूपास में बड़े मॉन्क्स के राख, तबर्रकात, मुजस्समे, हीरे जवाहरात समेत बहुत सी रैलिक्स मौजूद थी। हुंस की बर्बरियत के बाद यहाँ 1940 के जलजले ने बहुत तबाही मचाई। धर्मा राजिका स्तूपा को बहुत नुकसान पहुंचा क्योंकि इसकी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि जलजले इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये साहब भी इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन के आसार देखने आए हैं। So are you interested in Buddhism? Well, I'm interested in the Greek Bactrians. Greek, the Greek, Indo-Greek. So like circa, yeah, Indo-Greek, Indo-Greek civilization. Yeah, yeah. And history, and heritage. Absolutely. So I'm going to Afghanistan next. That's wow. So have you been to Mardan and Tafbhai and Sabak? Not yet, no. Do go there. We'll try. You'll find the traces of Buddhism there as well.
brilliant. I look forward to that. ऐसे बहुत से सयाह यहाँ आना चाहते हैं, बहुत से सयाह, बहुत से बुद्धिस्ट यहाँ आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। उनके आने से पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हम धर्मराजिका से हम जा रहे हैं उस शहर को देखने जिसे इंडो ग्रीक्स ने बसाया, सरकप और मोड़ा मुरादो, सात आसमान सात जमीन देखने, 1,500 साल पुराना कुआं देखने, कदीम तरीन यूनिवर्सिटी देखने जा रहे हैं मोड़ा मुरादो। और जूलिया, आप हमारे साथ रहिए, अपने कमेंट कीजिए, राय दीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।